ताजमहल देखने के लिए पेठा नाले, ये तो बात संभव ही नहीं है। पूरा शर्ट है ना वो पीक गया है, आ गए ऊपर तक ताजमहल। क्या लिखा है? हम दिल्ली भी पहुंच गए। और सो हेलो गुड मॉर्निंग, चौथे दिन की शुरुआत हो चुकी है और चौथे दिन है हम आगरा में, दिल्ली के आगरा में। हम जाएंगे ताजमहल देखने के लिए, वो पक्का नहीं है, डन नहीं है अभी। क्या प्लान है ब्रोज का? मुझे बिल्कुल नहीं पता, मतलब हमारा यही रहता है, किसी को कुछ पता नहीं होता है, बस कहीं भी निकलो निकलते जाओ बस ऐसा ही। देखो ये चेकआउट कर लिया अभी हमने होटल से, जस्ट निकल रहे, बाकी आगे का प्लान साथ में ही। हम लोग फाइनली ताजमहल पहुंच चुके हैं, अपना गाड़ी पार्क कर दिया और ऑटो कर लिया है। अभी जा रहे हैं ऑटो से ताजमहल, क्योंकि यहाँ से 1.5 किलोमीटर की दूरी है, आई थिंक गवर्नमेंट ऑटो है, ये भाई बता रहे हैं कुछ। आ रहे हैं ताजमहल, हम आगरा में आए और यहाँ का पेठा नाल है, ये तो बात संभव ही नहीं है। हमने ले लिया पेठा और हाँ सब टेस्ट करवाया था, बढ़िया था, लेकिन एक ना बहुत ज़्यादा मीठा था तो थोड़ा दांत में खिंचावट आ गई। अब तो पानी पी लिया तो सही है, कोई बात नहीं, लेकिन ये पेठा लिया हमने, खाएंगे जमा के दबा के। ये दोनों बंदे आए बिल्कुल पेट भर के आ गए दबा के। फाइनली ताजमहल पहुंच गए, क्या बोलना है कृष्ण, बता दो कुछ भी। भाई बहुत गर्मी लग रही है अभी तो, ये क्या मेरा से और चला नहीं जाएगा, बस अब तो आ गया ना, अब तो आ गया है भाई, पर क्या करे भैया, ये चल बल के आना हमें बिल्कुल पसंद ना है। जीवन में कोई तकलीफ ही नहीं होनी चाहिए अपने को। पहुंचने आए ताजमहल तक, अभी यहाँ से एंट्री हो। फाइनली ये देखने के बाद थोड़ा मैंने ये साइड देखा तो मुझे दिखा ताजमहल का ऊपर का टॉप। अब से बढ़ के पहले कलाकारी थी, देखो क्या बनाया है, क्या ही बनाया है, क्या ही बताऊं भाई इसके बारे में, तो क्या ही व्यू है ये। यहाँ पे ताजमहल के बिल्कुल सामने फोटो शूट करने के बाद अभी ऊपर का सोच रहे कि चलो ऊपर चलते हैं, बहुत ही ज़्यादा थक गए, गर्मी भी बहुत है आज, पता नहीं सब लोग बोल रहे हैं कि अंदर हवा बहुत होगा, लेकिन ना टी शर्ट बिक गया तो कुछ। वहाँ से टिकट लेना 150 जितना टिकट है, ऊपर का टिकट मिल गया। कितना प्राइस है भाई पर पर्सन? 200 रुपया पर पर्सन है, हमें नीचे से बोला गया था 150 होगा, लेकिन यहाँ पे 200 है। सबको पता ही है कि शाहजहाँ ने अपनी पत्नी मुमताज की याद में बनाया था, वो एक्सपायर हो गई उसके बाद में। मैं एक बार सजेस्ट करूँगा कि आगरा आ ही जाओ, दिल्ली आसपास वाले लोग तो यहाँ पर घूमे होंगे, अगर आप कोई दूर से यहाँ पर आ रहे हैं तो एक बार आगरा आ जाओ, बढ़िया है। ताजमहल विजिट करो, आसपास में कोई होटल रखो, हमने आज बेस्ट होटल डन किया था, जलसा नाम था ना भाई होटल का, अच्छा नाम वाला होटल हमने बुक किया। सुबह उठ के नहा धो के आगे ताजमहल एक की भी था। ये आप देखिए क्योंकि सारे ने एक ही जैसे जूते पहने, भाई ये जूते नहीं है, उसके ऊपर कवर है जो कि ऊपर जाने से पहले ये पहनना पड़ता ताकि अपने जूते की धूल या मिट्टी उस पर ना लगे। आ गए ऊपर तक ताजमहल, क्या ही बनाया है भाई, मतलब अभी कोई मुकाबला ही नहीं है इसका। अंदर फोटोग्राफी मना है इसलिए हम वीडियो नहीं बनाएंगे। देखो भाई इसमें ना कटिंग है उस टाइप का, ऐसे हमको दूर से ये दिखेगा कि नॉर्मल है, लेकिन देखो यहाँ पे कट्स दी गई है। बाकी ये मुख्य द्वार है ताजमहल का, चारों साइड से एक जैसा ही दिखता है। देखो भाई पानी कितना जोरों शोरों जा रहा है, यमुना नदी है ना भाई। यहाँ पे अंदर गया तो मुझे और भी थोड़ा कुछ पता चला, क्योंकि हमें आज तक पढ़ाया गया है कि अंदर सिर्फ मुमताज की कब्र है, लेकिन अभी अंदर गए तो पता चला कि शाहजहाँ की भी कब्र है और वो कब्र मुमताज से थोड़ी बड़ी है। अंदर का जो भाई एलिवेशन है ना फाड़ू, तो शेप में दिया गया पत्थर को, उस टाइम में उस ज़माने में ये लेवल का होता था, तो भाई अभी तो ये कुछ नहीं है। मैंने अपील को पूछा कि भाई ये क्या लिखा है, क्या लिखा है। तो मैं इस गाड़ी में निकल गया हूँ, अपील और क्रिश लोग पीछे गाड़ी में आ रहे हैं, मैं सिंगल का जगह था तो मैं बैठ गया और खा रहा हूँ काकड़ी, मजे ले रहा हूँ, काफी अच्छा मजा आया। अब लोग पीछे आ रहे हैं, वो भी खा रहे हैं, मजे कर रहा हूँ। लिखा 8.9, मतलब इतने घंटे चल चुकी और भी इतना चल जाएगी। देखो बैटरी कपूर गौरम करुणा अवतारम संसार सारम हारम। आप लोग सोच रहे हैं मैं कहाँ पे हूँ, तो हम हैं मथुरा में, अभी जस्ट पहुँचे, बस मंदिर की ओर दर्शन करने जा रहे हैं, कृष्ण जन्मभूमि के अंदर दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। दर्शन करके आ चुके हैं और देखिए मैंने कैसा पैटर्न बनवाया है मुंह में, बस अभी निकल रहे, दर्शन हो गया, अंदर फोन अलाउड नहीं था, दर्शन तो कर लिया है
और मेरे मैंने जैसा करवाया वैसा क्रिश ने भी करवाया भाई, दिखा दे एक बारी। ये बंदे ने भी ऐसा करवाया है, लेकिन उसका ना गर्मी बहुत होती है तो उसका पूरा मिट चुका है। अभी मेरा सही है एकदम से, अभी डर नहीं है कहाँ पे जाना है, आगे जाके देखते हैं, गाड़ी में बेचते पता चलता है कहाँ जाने का, फिर निकलते हो क्या है अपना। तो अभी हम वृंदावन पहुँच गए हैं मथुरा से, करने जा रहे हैं, देखते हैं फोन अलाउड होता है या नहीं, वो तो आगे जाके पता चलेगा। जब अलाउड होगा तो अंदर का सारा व्यू देखेंगे, जब नहीं अलाउड होगा तो फोन बाहर जमा करवाना पड़ेगा। ये सारी वृंदावन की मार्केट है यहाँ की, और बहुत ही भीड़ लगी हुई है भाई, हम बिल्कुल आरती के टाइम पे आए। देखो ये दोनों अपील लो जी लो, गोकुल मथुरा से निकल के हम दिल्ली भी पहुंच गए हो, और भाई दिल्ली में तो आते रंग लगने लगा भाई, देखो ये तिरंगा का लगा हुआ है। लो जी पेरिस आ गए हम, तो फाइनली दिल्ली पहुंच गए, और दिल्ली पहुंचने के बाद काफी टाइम हो गया, हम थोड़ा दिल्ली घूम के भी आ गए, उसका मैंने वीडियो नहीं बनाया क्योंकि किसी भी फोन में चार्जिंग नहीं था, एक के भी फोन में। सुबह वहां से निकले थे आगरा से, तब से लेकर अब तक बस कहीं भी फोन चार्जिंग नहीं हुआ, पावर बैंक भी कल रात को चार्ज करना भूल गया था, तो आज सुबह से किसी का फोन चार्जिंग नहीं हुआ, तो सबका फोन में चार्जिंग कम था, तो हम लोग घूम के आ गए वैसे ही बिना फोन के। तो अभी सोने की कर रहे थे यार, उससे पहले थोड़ा खाएंगे बाद में सोएंगे। तो खाना आ गया अपना और क्रिश भाई चालू। तो फाइनली टाइम आ गया इस व्लॉग को यहीं पे एंड करने का, पता है आप सबको वीडियो में मजा आया होगा, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड कॉमेंट तो बनता है, तो मिलते हैं अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। उठ अबे इब्न आल, उठ उठ अपील, उठने भाई।